जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर एडमिशन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2021 में कॉलेज के फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लिया है बीए बीकॉम बीएससी, या दोस्तों आपने लिया होगा एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन, अब दोस्तों आपने किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया होगा। अब दोस्तों, जो आपने एडमिशन लिया वो किसी भी राउंड में लिया हो, चाहे आपने फर्स्ट में लिया हो, सेकंड में लिया हो, सीएलसी में लिया हो, सीएलसी सेकंड, सीएलसी थर्ड, या जो सीएलसी फोर्थ राउंड जो कि 9 से 16 नवंबर के बीच में चल रहा है उसमें एडमिशन लिया हो, एक्स वाई जेड आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, यहाँ पर जो 5-6 राउंड चल रहे हैं हम 16 नवंबर तक की पूरी बात कर लेते हैं। और जो राउंड है सीएलसी सिक्स राउंड भी, सीएलसी फिफ्थ राउंड भी, इस तरह से आगे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सभी का जो सेम प्रोसेस रहेगा हम सभी की बात करेंगे। अगर आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो दोस्तों एडमिशन लेने के बाद में वहाँ पर दोस्तों तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। एक होता है हमारा अलॉटमेंट लेटर, एक होता है हमारा एडमिशन फीस रिसिप्ट, एक होता है दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो रिसिप्ट होती है, इनका जो रिप्रिंट होता है, रिप्रिंट रिसिप्ट हमें कैसे निकालना है, क्या होता है ना दोस्तों, हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से घर पर और उसकी रिसिप्ट नहीं निकाल पाते हैं, हम अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन उसकी रिसिप्ट नहीं निकाल पाते हैं, या हम अपनी फीस को सबमिट कर देते हैं लेकिन फीस सबमिट की रिसिप्ट नहीं निकाल पाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इनकी जो रिसिप्ट है, यानी कि इनको रिप्रिंट रिसिप्ट कैसे निकालें, इस फिर से इन्हें कैसे डाउनलोड करें वापस, उसी के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, एडमिशन फीस रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ में। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ई प्रवेश इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ई प्रवेश अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दो लिंक दिखाई देंगे, एक अंडर ग्रेजुएट का, एक पोस्ट ग्रेजुएट का। अगर आप बी ए बी कॉम बी एस सी बी एल एल बी की रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप एम ए एम कॉम एम एस सी एल एल बी एल एल एम की रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई देंगे, इनमें से आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन फीस का रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर का जो रिसिप्ट निकालना है उस वाली लिंक का यूज करना है। और दोस्तों वो लिंक कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन रिसिप्ट, तो इस लिंक का आपको यूज करना है। और दोस्तों आप कब तक डाउनलोड कर पाएंगे ये भी समझ लीजिए, 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में, इसी तारीख तक आप डाउनलोड कर पाएंगे, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट, आप अपना अलॉटमेंट लेटर का रिसिप्ट, आप अपना फीस रिसिप्ट का रिसिप्ट अगर आप 16 नवंबर के बाद यानी कि 17 नवंबर को निकालने की कोशिश करोगे तो फिर इसके बाद में आप कभी नहीं निकाल पाओगे। मैंने अभी आपको बताया था ये सीएलसी फोर्थ राउंड चल रहा है, ठीक है, जो कि दोस्तों 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ही चलेगा। और इसी राउंड में अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट को फिर से रिप्रिंट करने का एक बार मौका दिया गया है, वो भी 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में। अगर सीटें खाली रह जाती हैं और अगर फिर वापस से सीएलसी फोर्थ राउंड की जगह बाद अगर सीएलसी फिफ्थ राउंड स्टार्ट किया जाता है तो फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टार्ट नहीं होता है सीएलसी फिफ्थ राउंड तो फिर इसके बाद आप कभी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी एक अपना एक विशेष ध्यान रखिए। और जो जो भी इस वीडियो को देख रहा है जल्दी से अपनी रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लीजिए और सभी के दो दो तीन तीन प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, फीस का और अलॉटमेंट लेटर का सभी के दो दो तीन तीन प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है, जिससे क्या है आपको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यूजी के जो भी स्टूडेंट है उनका 121 से स्टार्ट होता है, पीजी के स्टूडेंट का 122 से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉरगेट और पासवर्ड का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए एक स्टूडेंट का यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके हम देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स दिखाई दी जाएंगी, जैसे कि हमारा नाम, हमारा माता का नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा फादर्स नेम और हमारा फोटो और सिग्नेचर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप सबसे नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिखाई देता है, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट का लिंक दिखाई देता है, एक प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर का लिंक दिखाई देता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे एक प्रिंट का एक आइकन दिखाई देगा, प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। साथ ही आपने कब एडमिशन लिया था
जिस राउंड में आपने एडमिशन लिया था उस राउंड का यहाँ पर नाम भी दिखाई देगा, जैसे फर्स्ट राउंड यहाँ पर भी फर्स्ट राउंड आपको दिखाई देगा। आपने जिस राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उस राउंड का नाम दिखाई देगा, और आपने अलॉटमेंट लेटर यानी कि आपका जब एडमिशन हुआ था उस राउंड का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में लिया और सेकंड राउंड में आपने एडमिशन लिया था तो यहाँ पर सेकंड राउंड जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट निकालना है तो यहाँ पर प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप अपना यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालना है तो अलॉटमेंट लेटर के नीचे प्रिंट का आइकन दिखाई देगा, इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें तो अभी वहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का एक एरर आ रहा है। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक नो रिकॉर्ड फाउंड का एक ऑप्शन आता है, और जैसे आप क्लिक करोगे नो रिकॉर्ड फाउंड पर ओके पर, तो आपके सामने इस तरह का अलॉटमेंट लेटर सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी डाटा आपको दिखाई नहीं देता है। अलॉटमेंट लेटर तो डाउनलोड हो जाता है लेकिन वहाँ पर हमारा कोई भी डाटा यहाँ पर इस तरह से दिखाई नहीं देता, और कोई सब चीज़ें हैं ना जो कि ब्लैंक ब्लैंक दिखाई देती है, यानी कि खाली खाली चीज़ें सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो अलॉटमेंट लेटर वो अभी डाउनलोड नहीं हो पाएगा। अगर आप अपना फीस का रिसिप्ट, आपने जो भी फीस सबमिट की थी, जैसे कि आपने 10 रुपये की फीस सबमिट की होगी या आपने 1000 रुपये की फीस सबमिट की होगी, जितनी भी आपने पेज सबमिट की थी उस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके अब इसकी रिसिप्ट निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इस पेज रिसिप्ट के लगभग 4 से 5 प्रिंटआउट निकाल कर रखना, क्योंकि ये भविष्य में बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। जैसे कि सेकंड ईयर में हम एडमिशन लेते हैं, थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो इसी रिसिप्ट से हमारा एडमिशन होता है। तो इस रिसिप्ट का प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना, 3-4 प्रिंटआउट। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, आप सीख गए होंगे कि अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन फीस रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट हमको कैसे प्रिंटआउट निकालना है इसका। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट हो इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, वीडियो को ये पकड़ते समय नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।